हेलो गाइस सो टुडेज टॉपिक इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ सो व्हाट इज़ हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी आस्क अगर कोई हमसे पूछता है कि हेल्थ क्या होती है तो हम क्या बोल सकते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि अगर डिजीज़ नहीं है तो बंदा हेल्दी है कुछ लोग बोलते हैं कि अगर कोई अच्छे फिज़िकली फिट है लाइक सिक्स पैक्स एब्स हैं तो वो हेल्दी है पर क्या ये सही है नहीं तो व्हाट इज़ हेल्थ तो बेसिकली हम सबसे पहले शुरू करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ तो हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग अब इससे क्या मतलब हुआ जो हम हेल्थ कैसे हम तीन पैरामीटर्स के ऊपर हम हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं कि बंदा फिजिकली भी फिट होना चाहिए मेंटली भी फिट होना चाहिए उसे किसी तरीके की कोई भी ट्रॉमा नहीं होना चाहिए या किसी तरीके की कोई परेशानियां नहीं होना चाहिए सोशल वेलबींग अपने आसपास के लोगों से अच्छा होना चाहिए वो उनसे बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग तो क्या होगा अगर कोई बंदा हेल्दी हो जाएगा तो इफ़ अ पर्सन इज़ हेल्दी तो उससे क्या होगा ऑब्वियसली हम ये कहेंगे अगर हेल्दी है पर्सन तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा तो मोर एफिशियट एट वर्क ठीक है अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा ज़्यादा एफिशिएंट होगा वर्क में अब अगर वर्क अच्छे से करेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जितना अच्छा काम करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बता है बढ़ेगी तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हेल्दी है कोई पर्सन तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा ज़्यादा अच्छे से काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी प्लस और क्या फ़ायदे हैं हेल्दी पीपल जो हैं वो ज़्यादा टाइम तक लॉन्गेटिविटी रहती है वो ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रहते हैं लॉन्गेटिविटी इंक्रीज़ करता है हेल्थ इसके साथ ही अगर हम बात करें जैसे कि स्पेशली इन वुमेन अगर हम बात करें तो वुमेन के अंदर वुमेन अगर ज़्यादा हेल्दी रहती है तो जो बेबी जो भी अगर हम मेटरनल वुमेन की बात करें जो कि प्रेगनेंट है तो अगर वुमेन अगर हेल्दी है तो उसका बेबी भी इतना सही रहेगा उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी तो जो मोटेलिटी रेट है जो हम बात करते हैं मोटेलिटी रेट ऑफ मटरनल वुमेन एंड इन्फेंट वो कम हो जाएगी मोटैलिटी रेट से मतलब जो डेथ रेट होती है उनकी डेथ रेट कम हो जाएगी इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि अब हमने ये तो बोल दिया कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिज़िकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग तो अब ये हेल्थ हम बना के कैसे रखें तो सीधे सीधे तीन पैरामीटर्स होते हैं जिन पे हम बोल सकते हैं गुड हेल्थ गुड हेल्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो गुड हेल्थ हम कैसे बोलेंगे अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं अगर आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रख रहे हैं अगर आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रखे हैं बैलेंस डाइट लेके रख रहे हैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं ये तीन चीज़ें ये बेसिक पैरामीटर्स हैं जो कि एक अच्छी गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं क्या क्या बैलेंस डाइट पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज अगर आपके पास ये तीन चीज़ें तीन आप मेंटेन करके रखते हैं पैरामीटर्स तो योर हेल्थ विल बी गुड इसके अलावा अगर हम ना एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए और भी क्या चीज़ें चाहिए होती है जैसे आप अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखें वेस्ट वगैरह ना इकट्ठा होने दें आप वैक्सीनेशन लगाएं अलग अलग जो भी नए इन्फेक्शन आ रही है उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए अवेयरनेस फैला अगर आपके पास अगर अवेयरनेस है अलग अलग तरह की जो भी डिजीज है उनके बारे में तो वो भी इंपॉर्टेंट है एक गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए इसके अलावा अगर हम बात करें अगर पहले से चला आ रहा है कि ना जो पुराने लोग थे जो आपके हमारे दादा परदादा वो लोग योगा में काफ़ी मानते थे कि योगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो एक अच्छी हेल्थ मेंटेन रहेगी तो योगा इज ऑल्सो अनादर मेथड फॉर रेगुलर एक्सरसाइज इसके अलावा अब हम बात करें कि पहले एक हाइपोथेसिस मानी जाती थी कि जो पर्सन जिनके अंदर ब्लैक बाइल है आर हैविंग ब्लैक बाइल बाइल आप सब जानते हैं बाइल क्या होता है बाइल एक तरह का फ्लूड होता है जो कि लिवर से क्रिएट करता है तो लोग ऐसे मानते थे कि जो पहले ब्लैक बाइल जिनके अंदर होता था ना उनकी पर्सनैलिटी हॉट होती थी हॉट पर्सनैलिटी होती थी और उनको फ़ीवर होने के चांसेस होते थे कि उनको फ़ीवर होगा हो ही होगा ऐसा लोग मानते थे ये एक पुरानी धारणा थी जैसे कई और अंधविश्वास थे वैसे ये ये भी था दैट पर्सन हैविंग ब्लैक बाइल आर हैविंग हॉट पर्सनैलिटी एंड फीवर लेकिन जब विलियम हार्वे ने विलियम हार्वे ने ये डिस्कवर किया क्या कि ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे वॉज द पर्सन हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन तो जब उन्होंने ये डिस्कवर किया और जब उन्होंने उन पर्सनस के जिनको ऐसे माना जाता था कि उनकी हॉट पर्सनैलिटी है उनका टेम्परेचर चेक किया बाय थर्मोमीटर हम टेम्परेचर थर्मोमीटर से चेक करते हैं तो जब उन्होंने चेक किया टेम्परेचर थर्मोमीटर से तब उनका टेम्परेचर एकदम नॉर्मल आया तो ये जो हाइपोथिस थी ये डिस्प्रूवड हो गई कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है ये सिर्फ़ एक फॉल्स एक्वेशन थी ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथिस बन के रह गई अब अगर हम बात करें हेल्थ की तो अब जो हमारी हेल्थ है वो किस किस चीज़ों से अफेक्ट होती है हेल्थ इज अफेक्टेड बाय तो अब हेल्थ जो है वो बेसिकली तीन चीज़ों से हम सबसे ज़्यादा अफेक्ट मानते हैं जैसे हमने बोला था कि गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी तीन चीज़ें चाहिए होती है वैसे ही हेल्थ जो अफेक्ट होती है वो भी तीन चीज़ों से होती है सबसे पहली क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर्स जेनेटिक डिसऑर्डर्स का क्या मतलब हुआ जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब अगर कोई कोई भी बच्चा है या कोई भी पर्सन है अगर उसको किसी भी तरीके की डिफिशियंसी है या वो है ना किसी ऐसी चीज़ों को से कोई ऐसी डिजीज़ अपने अंदर ले ना पैदा हुआ है जो कि उसके मम्मी या पापा में से किसी को है तो दैट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी को जैसे कलर ब्लाइंडनेस है तो कलर ब्लाइंडनेस है तो मतलब वो सारे कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता सबको प्रॉपर देख नहीं सकता तो वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया या और अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स हम आगे पढ़ेंगे इसी तरीके से अगर हम बात करें इन्फेक्शंस जो सेकंड है हेल्थ जो होती है वो इन्फेक्शन से अफेक्ट होती है आप, आपको अच्छे से पता है अलग अलग तरह के आपको बीमारियाँ होती है वो सब होती है जैसे आपको फीवर हो गया आपको खांसी हो गई जुखाम हो गया बुखार हो गया तो उससे आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी ऑब्वियसली बात है तो इन्फेक्शन आ गया तीसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल चल रही है काफ़ी जो लाइफ आज हम लोग की लाइफ कुछ इस तरीके से हो गई है कि हम लोग ना एक बैलेंस डाइट ले पा रहे हैं हम लोग जंक फूड ज़्यादा खा पा खाते हैं या फिर हम एक प्रॉपर एक्सरसाइज मेंटेन नहीं करते हैं हम लोग बिल्कुल भी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं तो वो जो हमारी लाइफ है उसकी वजह से भी हमारी हेल्थ काफ़ी हद तक अफेक्ट हो रही है तो ये जो तीन साइन जो हैं पैरामीटर्स इनके इनसे हम हेल्थ हमारी हेल्थ अफेक्ट हो रही है तो अब हम कब बोलते हैं अब हम बोलते हैं कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको क्या है डिजीज़ हम ये बोलते हैं कि आपकी हेल्थ सही नहीं है मतलब आपको डिजीज़ है तो हम बोलेंगे डिजीज़ कैसे है मतलब कुछ एक क्राइटेरिया तो होगा कि ऐसे कैसे बोल दिया कि आपको डिजीज है तो मतलब जब आपकी बॉडी का वन और मोर ऑर्गन्स एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स अफेक्टेड हैं ठीक है आपकी बॉडी के एक एक से ज़्यादा ऑर्गन्स अफेक्टेड है सपोज मैंने बोल दिया आपका लिवर भी अफेक्टेड है या आपका लिवर प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस स्टमक ऐसे करके तीन चार ऑर्गन्स अफेक्टेड हैं ठीक है प्लस आपको साइंस एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं क्या दिख रहे हैं साइंस एंड सिम्टम्स जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि फ़्लू हो गया किसी को अब फ़्लू हो गया तो उसके अंदर क्या क्या, क्या? साइंस एंड सिम्टम देखते हैं आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है बॉडी का आपको छींक आने लगती है बार बार आपकी आंखों में से पानी निकलने लगता है ऐसे कई तरह के फीचर्स आते हैं जैसे आपको फीवर है फीवर है तो भी आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है अल्टीमेटली आपको कुछ बहुत वीकनेस लगती है कुछ काम करने का मन नहीं करता तो ये सारे आपके साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे आप बता सकते हो कि आपको कोई बीमारी है तो आप कैसे बता सकते हो कि आपको कोई डिजीज़ है तो अगर आपको एक या आपके एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन अफेक्ट हो रहे हैं अगर आपको आपके उसको साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि द पर्सन इज़ हैविंग अ डिजीज़ ठीक है अभी जो डिज़ीज़ है डिजीज़ कौन कॉज करता है डिजीज़ कई माइक्रो ऑर्गनिजम्स कॉज करते हैं डिजीज़ कैन कॉज कैन भी कॉज बाई बरिया बैक्टीरिया भी कॉज कर सकते हैं फंगाई फंगाई भी कॉज कर सकते हैं वायरसेस हेलमेंस ऐसे कई सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं ये सभी लोग डिजीज़ कॉज कर सकते हैं तो दीज आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गनिजम्स अब जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्ग्निजम्स हैं उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है विच इज़ पैथोजन्स मतलब जो माइक्रो ऑर्गनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं दीज आर नोन एज पैथोजन्स ठीक है अब अगर मैं बात करूं डिजीज पे वापस आते हैं हम तो डिजीज़ को हम दो कैटेगरी में डालेंगे एक तो हम डालेंगे इन्फेक्शियस एक हम डालेंगे नॉन इन्फेक्शियस अब इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी हुई अब जैसे हम अगर बात करें कि जो डिज़ीज़ पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में दैट इज़ नोन एज़ इन्फेक्शे डिजीज़ इसका सबसे मोस्ट अच्छा एग्जाम्पल अभी आप लोग को रिसेंटली मिल ही रहा है कोरोना जो भी आप लोगों का चल रहा है उसमें क्या हो रहा है यही तो हो रहा है एक से दूसरे में फैल रही है इसीलिए तो सरकार सब लोग बोल रहे हैं कि अंदर रहे घर पे रहें कहीं से ज़्यादा लोगों से मिले जुले ना मिले तो मास्क पहने हाथ ना मिलाएं आप लोग एक दूसरे के नेबर्स के ना जाएं इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो डिजीज़ है ये एक छूने से फैलती है या फिर अगर कोई इंसान है वो आस आपके जो बीमार है जिसको कोरोना है अगर वो छींक दे या खांस दे या अगर वो आप वो जो यूटेंसिल्स यूज करें अगर आप वो यूज़ करते हैं तो उससे आप में भी फैल सकती है इसलिए दिस इज़ नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज़ ठीक है ये पर्सन टू पर्सन फैलती है और भी एग्जाम्पल्स अगर अपन जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड ये सबको होता है आप लोगों को पता है कि आप अगर आपकी क्लास में अगर आप क्लास में बैठे हैं और आप अगर किसी ऐसे बच्चे के पास में बैठे हैं जिसको अभी कोल्ड हो रखा है तो अगर वो आप, आपको छींकता है तो आप ये देखने में लेंगे कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको भी शाम तक ना कॉमन कोल्ड हो जाता है या और लोगों को हो सकता है जिसकी इम्यूनिटी कम होती है तो ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आ गया कॉमन कोल्ड का इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है इन्फेक्शियस डिजीजेस का एड्स एड्स भी, भी फैलता है थ्रू पर्सन टू पर्सन पर ये फैलता है थ्रू सेक्शुअल कांटेक्ट और ये जो होता है ये फेटल है काफ़ी फेटल है क्योंकि ये एड्स का जो है ऐसा कुछ हमने ऐसा ट्रीटमेंट अभी तक ऐसा हो नहीं मिल नहीं पाया जिससे हंड्रेड परसेंट ट्रीटमेंट हो पाए बंदा सही हो जाए एकदम फिर भी हम एड्स आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर में उसके हम आ बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे ठीक है इसमें हमने बात करी लिया कॉमन कोल्ड ऐसा है जो बहुत ही कॉमन आपको देखने को मिलता है और ये जो है ये सही भी हो जाता है जल्दी से इतना फटल नहीं है लेकिन एड्स जो हैं वो काफ़ी फटल है ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं इन्फेक्शस डिजीजेस के जो पर्सन टू पर्सन में फैलती है इसके बाद हम बात करते हैं नॉन इन्फेक्शस डिजेज तो ऑब्वियसली अव बात है नॉन इन्फेक्शस डिजीजेस का मतलब हो गया जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकती ठीक है इसका मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम्पल क्या है कैंसर अगर किसी एक बंदे को कैंसर है तो ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरा जो उसके पास में बैठा होगा उसको भी कैंसर हो जाएगा तो कैंसर इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आ जाएगा इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ाई करेंगे ठीक है अब हम बात कर रहे हैं कि हमने बोला था अभी हमने नाम दिया था एक वर्ड हमने बोला था विच इज़ पैथोजेंस पैथोजन्स कहते हैं जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गनिजम्स थे वो हमने बोले पैथोजन्स अब ये पैथोजन्स हमारी बॉडी में आते कैसे हैं अगर हम सोचें कि हम बोलते हैं अलग अलग तरह की डिजीज हो गई आपके अंदर भी पैथोजन तो आते कहाँ से तो इनके बहुत सारे रूट्स होते हैं ये जो होते हैं ये वाया मैनी रूट्स ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे जैसे नोज़ के थ्रू एंटर कर सकते हैं ये लोग हमारे माउथ के थ्रू एंटर कर सकते हैं अलग अलग जो भी आपके फूड वाटर किसी के भी थ्रू ये लोग एंटर कर सकते हैं मतलब अल्टीमेटली इनको बस सोर्स सही होता है ये कहीं से भी अंदर आ सकते हैं ठीक है और अंदर आके ये लोग क्या करते हैं अब अंदर आके ये लोग मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक छोटा सा कोई माइक्रोगनिजम आया उसने हम लोगों को कर दिया वो आगे अंदर आके और ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा फिर वो अपनी पूरी एक अंदर ही अपनी फैमिली बना लेगा फिर तब जाके हम लोग को कोई डिजीज़ हो सकती है तो अब ये मल्टीप्लाई कर लेगा अब उससे क्या होगा भाई मल्टीप्लाई कर लिया ठीक है अंदर आ गया तो उसके बाद उसके बाद ये जो हमारा जो नॉर्मल जो भी हमारा नॉर्मल बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उनको इंटरफेयर करेगा इंटरफेयर विद बॉडी फंक्शंस ठीक है जो भी आपकी बॉडी जो भी नॉर्मल फंक्शन करती है उससे ये इंटरफेयर करेगा वो नहीं करने देगा ढंग से अगर वो नहीं करने देगा तो उससे फिर दिक्कतें आएंगी उससे हम ये कह सकते हैं डिजीज़ हो जाएगी अब ये जो इंटरफेयर तो कर रहा है बॉडी के फंक्शंस के साथ तो अब ये अडेप्ट कर जाता है हमारी बॉडी में अडेप्ट मतलब जैसे अपना सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज कर देता है अपने आप को जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ स्टमक की ठीक है एग्जांपल में बात कर रहा हूँ स्टमक मान लीजिए कि कोई आपका माइक्रो ऑर्ग्निजम आया तो कोई पैथोजन आया वो गया स्टमक में ठीक है अब स्टमक में क्या होता है पीएच तो वहाँ पे बहुत कम होता है ना क्योंकि वहाँ पे क्या होता है एचसीएल होता है स्टमक में होता है एचसीएल तो पीएच एच वहाँ पर होता है कम अब पी कम होता है तो अब इस बैक्टीरिया को तो आदत है नहीं तो ये अडेप्ट करेगा ये अकॉर्डिंग टू उस पी के अकॉर्डिंग ये अपने आप को अडेप्ट करेगा ताकि कम पी में रह पाए अब अगर अपने पढ़ाओ पहले तो नाइन टेन के अंदर तो आपको पता होगा कि बैक्टीरिया जो आपका स्टमक है उसमें कई एंजाइम्स होती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है जैसे पेप्सिन हो गई या और भी म्यूकोस वगैरह कई एंजाइम्स होती है तो अब वो जो एन्ज़ाइम्स हैं वो डिग्रेड करती है जो प्रोटीस हैं उन सबको तो अब ये बैक्टीरिया वगैरह अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट करते हैं कि ये डिग्रेड ना हो पाए ये टूट ना पाए उन एंजाइम्स के थ्रू अगर ये टूट जाएंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है इनका कैसे डिजीज़ फैलाएंगे तो इसलिए जो आपके बैक्टीरिया या जो भी दूसरे पैथोजेंस होते हैं वो अडेप्ट करते हैं ठीक है ये हो गया अब हम अगर कुछ एग्जांपल्स देखें जैसे अब हम हमने बोला कि अभी अभी हमने बात की थी क्या कि बैक्टीरिया हो गया फंगा हो गया वायरसेस हो गया हेलमेंट हो गया ये सब के सब डिजीज़ कॉज करते हैं ठीक है तो अब इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो बैक्टीरियल डिजीज की बात करते हैं अपन बैक्टीरियल डिजीज में हम सबसे पहले बात करते हैं एक बैक्टीरिया है सालमोनेला टाइफाई ठीक है सालमोनीला टाइफाई अब इसमें नाम से अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो इसमें पता लग रहा है टाइफाई इसके लास्ट में है मतलब ये क्या कॉज कर रहा है टाइफाइड फीवर टाइफाइड का तो आपने नाम सुना ही होगा ये टाइफाइड कॉज करता है ठीक है अब अगर मैं बात करूँ एकदम हम सीक्वेंस में चलेंगे अब हम बोल रहे हैं कि टाइफाइड कॉस करता है कैसे कॉस करता है तो सबसे पहले एंट्री कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन तभी कॉस करेगा जब वो बॉडी के अंदर आएगा तो कैसे आएगा बॉडी के अंदर एंट्री कैसे करेगा कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू अगर आप जो भी खाना खा रहे हैं या जो पानी पी रहे हैं अगर वो कंटेमिनेटेड है वो उसके अंदर वायरसेस वगैरह या दूसरे बैक्टीरिया वगैरह अगर वो सब हैं उसमें अगर उसमें ये सालमोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया है तो उसके थ्रू वो आपकी बॉडी में आ जाएगा बॉडी में कहाँ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ जाएगा अब ये अपन कंटेमेटिव फूड एंड वाटर अपन आप जानते हैं जो जुगर बस्ती में रहते हैं तो उनके लिए बहुत आसान होता है वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जो अपना पानी शुद्ध होता है ना खाना तो उनके अंदर बहुत चांसेस होते हैं टाइफाइड वगैरह फैलने के ठीक है तो कंटेमिनेटिव फूड एंड वाटर के थ्रू ये एंट्री करता है और कहाँ जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया डायरेक्टली अब लेकिन इसकी पूरी बॉडी में फैलना है तो कैसे फैलेगा तो अपनी बॉडी में अपन जानते हैं हर चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला कौन है ब्लड तो ठीक है ये ब्लड से होते हुए इस पूरे की पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएंगे ठीक है वहाँ से माइग्रेट करेंगे अब अपन बात करते हैं अंदर आ गया अब अंदर आ गया तो क्या करेगा तो अब अंदर आ गया तो डिजीज़ कॉज करेगा अब डिजीज़ कॉज करेगा तो कैसे पता चलेगा अभी अभी अपन ने बोला कि कोई भी अगर अपन बोलते हैं कि डिजीज़ है तो मतलब कि आपको क्या दिखने होते हैं साइंस एंड सिम्टम्स तो अब अपन वही अगली हेडिंग क्या होगी अपनी साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं अगर आपको टाइफाइड है तो साइंस एंड सिम्टम्स में अपन सबसे पहले बात करेंगे हाई फीवर होता है हाई फ़ीवर मतलब आपको करीबन थर्टी नाइन टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस का जितना हाई फीवर होगा अब वो जो हाई फीवर होगा वो ऐसा नहीं है कि ये ना थोड़ी देर में आया जैसे अपन बुखार नॉर्मल बुखार क्या होता है क्या आपको फ़ीवर आया फिर थोड़ी देर बाद उतर गया फिर थोड़ी देर वो नहीं सस्टेंड हाई फ़ीवर बोलेंगे यहाँ पे स्पेसिफिकली नाम आता है सस्टेंड हाई फ़ीवर मतलब कि कंटिन्यू जो आपका जो फीवर है वो कंटिन्यू रहेगा ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे वीकनेस ये कॉमन है ठीक है वीकनेस आएगी ठीक है स्टमक में पेन होगा स्टमक में पेन होगा क्योंकि आप कंटेमेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ले रहे हैं तो जैसे हमने बताया वो जो बैक्टीरिया है वो पूरे के पूरे बॉडी में ट्रेवल करेगा ठीक है प्लस अब वो फूड से आ रहा है कंटेमेटेड से तो जब स्टमक में जाएगा तो स्टमक में पेन होगा ठीक है कॉन्स्टिपेशन होगा ये सब इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात कर रहे हैं हम लोग हेडक होगा ठीक है और लॉस ऑफ एपिटाइट कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करेगा एपीटाइट मतलब जो है आपका जो भी खाना पीने का उसका लॉस हो जाएगा मतलब कि खाने पीने का मन आपको नहीं करेगा तो ये इसके मोस्ट कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स आ जाएंगे ठीक है जो अगर आपको टाइफाइड हुआ है तो वो आपको देखने को मिलेंगे लेकिन सीवियर केसेज में क्या होता है अगर मैं बात करूँ कि अगर ये एकदम सीवियर केसेस पहुँच जाए कि टाइफाइड का कि अगर आपने इलाज भी नहीं कराया तो आगे जाके क्या हो सकता है तो सीवियर केसेज में इंटेस्टिनल परफोरेशंस हो जाएंगी अब इंटस्टर्नल परफोरेशन क्या होती है अब हमने जैसा कि बताया कि जो आपका ये जो बैक्टीरिया है ये सबसे इसकी फेवरेट साइड का है कहाँ पर जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है अब अगर मान लो कि ये बहुत ज़्यादा फैल गया और अगर ये अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर देगा परफोरेशन मतलब एक तरीके से होल्स कर देगा इंटेस्टाइन में तो इंटेस्टाइन में होल कर देगा तो वो उसका सीवियर केस में माना जाता है ठीक है अब, अब इसका कोई तो टेस्ट होता होगा किसी तरीके से तो आप पता लग सकता है ना कि आपको टाइफाइड हुआ है ठीक है तो इसके जो हम टेस्ट करते हैं वो है विडाल टेस्ट विडाल टेस्ट हम इसके लिए करते हैं ठीक है इसी अब इसके इसी के लिए अगर हम एक एग्ज़ाम्पल इसके अंदर है एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि एक लेडी थी जिसका नाम है मैरी मेलन मैरी मेलन ये एक लेडी थी ये प्रोफेशन से कुक थी ठीक है अब ये थी कुक अब लेकिन ये जो थी ये इसको टाइफाइड था ठीक है इसको नहीं पता था ना इसके आसपास के लोगों को या जो भी जहाँ भी काम करती थी वहाँ इसको पता नहीं था उन लोगों को कि इसको टाइफाइड है तो ये एक तरीके से कैरियर की तरह काम कर रही थी तो अब ये क्योंकि कुक थी तो ये खाना बनाती थी उसमें फिर ये चले जाता था ये बैक्टीरिया तो उससे ये कैरियर बनी रही और इसने सबको है ना टाइफाइड कॉस के जिसको भी इसने खाना खिलाया जो भी इसके आसपास था उसने इसने उन सबको टाइफाइड कॉस कराया इसलिए इसका नाम रख दिया गया टाइफाइड मैरी तो ये इस सिचुएशन का एक एग्जांपल है जो कि सही एग्जांपल है जो कि सही में ऐसा हुआ गया था ठीक है ये आ गया अब अगर मैं बात करूँ दूसरे और भी बैक्टीरिया होते हैं अब दूसरे बैक्टीरिया की मैं बात करूँ जैसे कि बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी बहुत गंदे गंदे से नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलियस इन्फ्लुन्जी ये एक ही तरीके के बैक्टीरिया मतलब ये जो दो बैक्टीरिया हैं ये एक ही तरीके की डिजीज़ कॉज करते हैं एंड विच इज़ नाम से पता लग रहा है निमोनिया निमोनिया का नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना ही होगा मोस्ट कॉमन डिजीज़ यहाँ पे अपने मानी जाती है छोटे बच्चों में भी हो जाता है निमोनिया मतलब बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है ये ठीक है अब जो निमोनिया होता है ये डिजीज़ किसकी होती है मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है तो बॉडी में लंग्स जो होते हैं ठीक है लंग्स में आप लोगों ने सुना सुनाओ अगर आपने नाइन टेन में पढ़ा होगा एलवेंथ में कि एक एल्वियोलाई करके एक स्ट्रक्चर होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई किस इन लंग्स ठीक है जिससे क्या होती है गैसियस एक्सचेंज होती है यहाँ पर क्या होता है इससे गैसेस का एक्सचेंज होता है ये जो एलविलाई है इसके अंदर ये जो है ये इसको अफेक्ट करता है एलविलाई को कौन सा ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर हीमोफिलियस है ठीक है ये जो है इस एलविलाय को अफेक्ट करता है इससे क्या होता है इस एलवेलाई में फ्लूड बढ़ जाता है ठीक है फ्लूड भर जाएगा फ्लूड भर जाएगा तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आएगी क्यों क्योंकि फ्लूड भर जाएगा तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाएगी सी बाहर नहीं जा पाएगी ढंग से तो इससे क्या होगा अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएगी ठीक है तो ये अपन इसमें क्या बोल सकते हैं तो मतलब अगर मैं बात करूँ इसके एंट्री इसने कहाँ पर ली इस वायरस ने एंट्री कहाँ पर ली इसने लिए वायरस ने एंट्री एलविला इन लंग्स में ठीक है ये इसकी एंट्री की साइट हो गई मतलब इसको जो फाइनल जहाँ तक इसको पहुँचना था जो इसकी मेन साइट थी ठीक है अब अगर मैं बात करूँ इसकी एंट्री कैसे हुई मतलब जैसे अपन ने उसकी बात की थी किसकी मेरी मेलन वाला जो केस है सालमोनीला टाइफाइड का उसमें अपन ने बोला था कि वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू आया था ठीक है अब इसमें कैसे आया था तो इसमें अपन बात करेंगे जो मान लो अगर कोई भी आप पास में बैठे हो किसी न, जो पर्सन है उसको निमोनिया है उसके पास में बैठे हो और उसके जो भी अगर उसने स्नीस करता है या कफ़ अगर वो करता है तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं अगर वो आपने इनहेल कर लिए जो एयर में रहते हैं वो अगर आप इनहेल करते हो तो उसके थ्रू फैलता है ये ठीक है तो ये क्या बोल सकते हैं बाय इनहेलिंग दी ड्रॉपलेट्स इन्हेलिंग ड्रॉपलेट्स बाय दी इन्फेक्ट पर्सन ठीक है जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो जो भी ड्रॉपलेट्स अगर है ना उसके अगर आप इन्हेल कर दे तो या फिर जैसे शेयरिंग यूटेंसिल्स बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कोरोना फैल रहा है कि अगर आप इन, अगर उसको छींक आ रही है खांसी आ रही और अगर आप उसके आसपास हो तो जो एयर में जो भी उसके ड्रॉपलेट्स अगर आप उसको इनहेल कर लेते हो या आप यूटेंसिल्स वगैरह शेयर करते हो तो उससे ये इस फैलता है तो इसकी एंट्री इस तरीके से होती है ड्रॉपलेट्स की वजह से ठीक है जाता है ये एल्विला में लंग्स में ठीक है अब अगला अपना क्या था वही साइंस एंड सिम्टम्स तो अब साइंस एंड सिम्टम्स में क्या है तो साइंस एंड सिम्टम्स में वही फ़ीवर होगा ठीक है चिल्स होगा ठंड लगने लग जाएगी हेडेक होगा ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करूँ सीवियर केस में ये तो नॉर्मल है कि ये तो चीज़ें होंगी होगी सीवियर केस में क्या होता है अगर आप देखेंगे किसी पर्सन को निमोनिया अगर सीवियर केस में तो उसके जो नाखून हैं या उसके जो लिप्स हैं वो जो हैं वो ग्रे या ब्लूश कलर के हो जाएंगे तो जो लिप्स फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू इन कलर ग्रे टू इन कलर ये हो गया आपका निमोनिया विच इज़ कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हिमोफ्लियस इन्फ्लूजी ये जो बैक्टीरियाज़ हैं इनके नाम याद करने बहुत ज़रूरी होते हैं ठीक है अब इसके अलावा ये तो सारे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही पढ़ रहे हैं अभी तक तो इसके अलावा कुछ और होते हैं जिनके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे बस उनके नाम नाम इंपॉर्टेंट है तो अदर बैक्टीरियाज़ जो हैं अदर बैक्टीरियल एग्जाम्पल्स डाईसेंट्री प्लेग डिप्थीरिया एट्सेट्रा सिर्फ इनके नाम नाम इंपॉर्टेंट है बाकी कुछ खास नहीं क्योंकि ये आपके एन सी से ज़्यादा बताती नहीं है और ना कहीं पर भी पूछा जाएगा तो बस इनके नाम बहुत हैं अब ये हमारा आज का टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा हमने सबसे पहले पहले पढ़ा जनरल हेल्थ व्हाट इज हेल्थ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग बंदा फिजिकली फिट होना चाहिए मेंटली फिट होना चाहिए सोशल वेलबींग well होना चाहिए हेल्दी पर्सन होगा ज़्यादा एफिशिएंट होगा वहाँ में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इकनॉमी बढ़ जाएगी इससे लॉन्गिटिविटी भी बढ़ेगी लोगी ठीक है गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए तीन तीन पैरामीटर्स बताए बैलेंस डाइट पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज ठीक है हेल्थ अफेक्ट कैसे होती है तीन वजहों से अगर कि उसका कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है किसी तरह का इन्फेक्शन है लाइफ है ठीक है अगर बंदा अगर डिजीज अब कैसे बोल सकते हैं अगर पर्सन हेल्दी नहीं है तो अपन बोलते हैं डिजीज डिजीज़ हो सकती है अगर एक या एक से ज्यादा और उसको ठीक है अब जो माइक्रो ऑर्गनिज्म जैसे बैक्टीरिया फंगा वायरसेस करते हैं अल्टीमेटली है? तरह की थी इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस इंफेक्शियस वो जो पर्सन टू पर्सन फैलती है नॉन इन्फेक्शियस वो जो नहीं पर्सन ठीक है अब ने इसके बाद बात अपन ने पैथोजन अपन ने बताया कि वो अपनी बॉडी में घुसते हैं फिर वो मल्टीप्लाई करते हैं फिर वो अपनी नॉर्मल बॉडी के फंक्शन से इंटरफेयर करते हैं और अपनी बॉडी में अडेप्ट कर लेते हैं ताकि फिर वो डिजीज़ कॉज कर सकें इसके बाद अपन ने सबसे पहले पढ़ी बैक्टीरियल डिजीजे बैक्टीरियल डिजीज़ में अपन ने पहला एग्जाम्पल पढ़ा सालमोने लाइ टाइफाइड जो कि क्या कॉज करता है टाइफाइड ठीक है किसके थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर इसमें साइंस एंड सिम्टम्स हाई फीवर वीकनेस पेन स्टमक कॉन्स्टिपेशन हेड लॉस ऑफ हेपीटाइट ठीक है इसके अंदर इसका टेस्ट क्या था विडाल टेस्ट था दूसरी हमने डिजीज़ पढ़ी निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा के थ्रू निमोनिया जो कॉज होती है ये कहाँ पे है लंग्स में सबसे ज़्यादा लंग्स में भी कहाँ है रूट एंट्री क्या है इसकी एंट्री क्या है इसमें इनहेलिंग जो ड्रॉपलेट्स जो है उसको इनहेल करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के जो भी ड्रॉपलेट्स हैं अगर उसको नॉर्मल पर्सन इनहेल कर लेगा तो उसकी वजह से आपको निमोनिया हो सकता है ठीक है साइंस एंड सिम्टम्स वही फ़ीवर चिल हेडक और अदर बैक्टीरियल एग्जांपल्स में मैंने क्या बताया डाइसेंट्री प्लेग एंड डिप्थीरिया नेक्स्ट में हम बात करेंगे आगे कंटिन्यू करेंगे वायरल इन्फेक्शन एंड जो प्रोटोजोन्स और जो भी हमने आगे बात की थी हेलमेट्स वगैरह इनके बारे में हम डिटेल बात करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे थैंक यू